फॉरेस्ट रिपोर्ट में अभी तक हम लोग फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर को देख चुके हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, ये भी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, तो इन्हें भी देखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हें समझेंगे। इनमें आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है ट्री कवर, और एक और टर्म आता है TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इन दोनों ही टर्म को समझेंगे। पहले ट्री कवर देख समझते हैं। देखो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप तो शायद मालूम होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे कि 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। इस पॉलिसी ने एक क्राइटेरिया रखा था कि देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है या भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 1/3 पे कम से कम फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जिससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा है। तो 1/3 बचता था 33%, यानी कि एक आपको टारगेट पकड़ा दिया गया है कि इस पे कम से कम आपके पूरे देश के इतने भौगोलिक क्षेत्र पे कम से कम फॉरेस्ट होना ही चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए एक्चुअली। अब 33% का जो टारगेट है वो आप कैसे अचीव कर पाओगे? अपने पास जो फॉरेस्ट कवर है अभी के टाइम पे वो है लगभग 21% इसके आसपास है। अब आप पिछले 70 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस एरिया के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, या तो टारगेट को कम करो या कोई गुंताड़ा बिछाओ, मतलब इधर उधर कोई जुगाड़पंथी करो। अब यहाँ पर कम कर नहीं पा रहे हैं, तो जुगाड़पंथी वाला जो काम है वो है अपना ये ट्री कवर वाला इशू। करना क्या है कि जैसे फॉरेस्ट कवर के लिए ये ज़रूरी था कि कोई भी एरिया है वो कम से कम 1 हेक्टर का हो, और कैनोपी डेंसिटी जो है वो एटलीस्ट कम से कम 10% की होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना होगा तो वो उसके जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ जाएगा। लेकिन ऐसे एरिया जैसे कि आपने रोड के किनारे जाओ तो रोड के किनारे आपको प्लांटेशन मिल जाएगी, आप किसी तालाब के किनारे जा रहे हैं जैसे यूपी है, पंजाब है, इनकी जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उनके दोनों साइड भी प्लांटेशन कर दी जाती है, तो वो जो प्लांटेशन है वो तो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ पा रही है, तो इस केस में वो छूट रही थी। तो कुछ जो जुगाड़ है वो बिठाने का काम किया गया कि इन्हें भी काउंट किया जा सके। तो उसके लिए क्या किया, कुछ सैम्पलिंग के तरीके निकाले गए और इन्हें भी काउंट करना स्टार्ट कर दिया गया। इनको काउंट किया गया तो ये कितने निकले हैं, 9.5 मिलियन हेक्टर, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.9 मान लो या 3 मान लो, ऐसे याद रखो 3% से थोड़ा कम है। तो जैसे उड़ीसा में क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा स्टेट में उनके जो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर टोटल पूछा था उन्होंने कितना है, और उन्हें एक रेंज दे दी थी कि 30 से 24%, 25 से 26। तो अगर आपसे सपोज ऐसे पूछ लिया जाए कि अपने इंडिया में फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है तो कितना निकलेगा, पहले तो देखो फॉरेस्ट कवर अपने पास कितना है। फॉरेस्ट कवर है 21.67%, और ये ट्री कवर है लगभग अपने पास 2.89%। तो टोटल अगर इन दोनों को भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कितना है, तो ऐसे मान लो कि 20 इसका कुछ ले लो, इसको ये कर दो सीधा 3, तो ये लगभग हो गया अपना 24.5, 24.5 ले लो एवरेज। तो अगर आपको ऐसी कोई रेंज मिलती है 24 से 25% यहाँ पर अपना है, तो अपना काम हो जाएगा। और दूसरा आता है ट्री कवर किस स्टेट में ज़्यादा है, किस में कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अपना महाराष्ट्र है, फिर सेकंड पे MP आता है, तीसरा राजस्थान। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हो, मेनली अपने लिए केवल यही इम्पोर्टेंट था। दूसरा टर्म है TOF, क्योंकि अभी तक हम लोग जो ट्री कवर मेजर कर रहे हैं इसमें अपना सिंपल सा है कि जो भी जो अपना 1 हेक्टेयर और 10% के क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है वो ट्री कवर में आ गया। लेकिन ये कहाँ पर है, इसमें जो अपने ट्री कवर है इसमें हमें ये नहीं दिखना है ये कहाँ है, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया जो है उसके अंदर का हो या कोई फार्मर है इसने अपने खेत में प्लांटेशन कर दी वो हो, दोनों ही चीज़ें मैं जो इसमें ऐड हो रही थी। तो इसमें गवर्नमेंट को ये पता नहीं पड़ पा रहा था कि बाहर कितना है अंदर कितना है, तो उन्होंने एक नई डेफिनेशन, एक नया टर्म और यूज किया है TOF। TOF मतलब ट्री जो है आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वो पेड़ जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो। तो जो ट्री कवर है एक बड़ा टर्म है ट्री कवर, और इसमें ट्री कवर में क्या होंगे, एक तो TOF होंगे और ये जो ट्री है जो फॉरेस्ट एरिया में वो होंगे, दोनों को मिला करके ट्री कवर बन जाएगा। तो
तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट आती थी जो 2008-07 के टाइम पे, वो केवल TOF काउंट करती थी, लेकिन आजकल दोनों टर्म यहाँ यूज किए जा रहे हैं रिपोर्ट में, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है जैसे बायोमास का आता है कि सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, या फिर आप सिंपल वे में पूछा जाए कि जो TOF है वो सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ बना रहे हैं, तो जो बाहर बना रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है मैंगो, मैंगिफेरा इंडिका मतलब आम है, दूसरा नीम है। आम और नीम यही दो पेड़ हैं जो बाहर जंगल के बाहर सबसे ज़्यादा प्लांटेड किए गए हैं। पहले नंबर पे यानी कि सबसे ज़्यादा है आम, उसके बाद सेकंड नंबर पे है मैंगो। और यही बात अगर जंगल की बात की जाए तो वहाँ पर पहले नंबर पे शायद साल आता है और दूसरे पे टीक आता है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्री कवर ऑफ कंट्रीज एस्टिमेटेड एज, देश का जो ट्री कवर है वो कितना मेजर किया जाता है। अभी नवंबर दिसंबर जो छत्तीसगढ़ वालों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था उसी में आया था, तो ये अपना कितना आ रहा है 2.89। नेक्स्ट है एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आउटसाइड द फॉरेस्ट इन द कंट्री ऑफ विच, ये टोटल इन्हें इस टाइप का पूछ लिया है कि ये ICAR में भी आया कि इसमें फॉरेस्ट और जो अपनी ट्री कवर है दोनों को TOF टोटल मिला कर के कर दिया कि टोटल कितना है, तो वही 24 से 25 के बीच में अपना बैठ रहा है, तो उस हिसाब से अपन आंसर लगा देंगे। इस लिस्ट में अगला अपना टॉपिक आ जाएगा मैंग्रोव्स कवर। मैंग्रोव्स कवर को थोड़ा बाद में भी डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके जो कुछ अडेप्टेशन है, पहली बात तो यही कि मैंग्रोव्स ग्रो कहाँ होता है, तो जो अपना कोस्टल रीजन है समुद्र के किनारे वाला जो रीजन है जहाँ जो सैलाइन वाटर जो है वो भी ज़मीन से टच कर रहा है, तो वो कोस्टल के जो जंक्शन पॉइंट है जैसे ये अपना ओशियन हो गया और ये अपना लैंड हो गया, तो ये जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर ये मैंग्रोव्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसका एक अपना हैबिटेट है। उस हैबिटेट के हिसाब से मैंग्रोव्स के कुछ अडेप्टेशन है जैसे कि रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशन है, न्यूमेटोफोर सुना होगा आप लोगों ने, रूट्स हैं बहुत छोटे छोटे बिखरने लगती हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इसका जो रिप्रोडक्टिव है उसमें भी मॉडिफिकेशन है, वीवीपैरी पे अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं क्योंकि मैंग्रोव जैसा पार्ट है, जैसे MP की बात करें तो लगभग जो 2011 है 2015 के जो फॉरेस्ट्री के पेपर थे उनमें तो दो दो या तीन तीन क्वेश्चन आए हैं इसके, और अदर एग्जाम में भी लगभग कोई ऐसा एग्जाम होता नहीं है जिससे मैंग्रोव से क्वेश्चन ना आते हो, तो इसे सेपरेटली कवर करेंगे। यहाँ जो रिपोर्ट है उसका रिपोर्ट से जो अपना डाटा निकलता है वो केवल इसी के लिए है कि आखिर जो अपने यहाँ इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट वाइज आप देख लीजिए, बस उससे अपना काम हो जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर। तो पहला तो ये डाटा है कि पूरे दुनिया में जितना भी मैंग्रोव्स है उसका 3% अपने इंडिया में है। दूसरा, अगर इंडिया में आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ये इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा तो ये जो अपना सुंदरबन का डेल्टा वाला रीजन है वहीं पर है। सेकंड नंबर पे आ जाता है गुजरात का रीजन, सेकंड नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुजरात पहले नहीं आता था, फिर इन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने प्लांटेशन वर्क बहुत किया है, पूरा नरेगा के वालों को लगा दिया यहाँ पर, मैंग्रोव्स की तह दनादन इतनी प्लांटेशन की कि ये आज के टाइम पे सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं अपने अंडमान एंड निकोबार वाले, कम से कम एटलीस्ट ये तीन नंबर तो याद रख लें। सबसे पहले अपना सुंदरबन है जो लगभग 43% अपने पूरे देश में जितना भी मैंग्रोव्स का एरिया है वो 43% अकेले सुंदरबन में है, 40% 43 जो भी मान लो आप, मेजोरिटी वही है। सेकंड नंबर पे 24% के साथ आता है गुजरात, और थर्ड नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, फिर फोर्थ नंबर पे है अपना आंध्र प्रदेश क्योंकि यहाँ पर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है काफ़ी बड़े डेल्टा है, तो उस रीजन में भी काफ़ी मेजोरिटी में है, तो फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं अपने आंध्र प्रदेश वाला रीजन। ये चार याद रख लिए अपना काम हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है अगर मैंग्रोव से आया है? तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये कोस्टल स्टेट में ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन में अगर आपको हिमाचल मिल जाए, MP मिल जाए या अपना राजस्थान मिल जाए तो मैंग्रोव वहाँ नहीं होता है, कोस्टल एरिया मिलता है। दूसरा, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स है? तो अपना वेस्ट बंगाल लगाना है, सेकंड नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है अगर
इसका कोई ऐसा पैटर्न आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का आता है अरेंजमेंट का, तो ये तीन चार करके आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टोटल मैंग्रोव्स कवर कितना है, तो ये डाटा जो है वो तो ऐसा बनता है अपना के 4975 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये आसान नहीं है याद रखना, सीधा याद रख लो 5000 किलोमीटर स्क्वायर, रट्टा ख़त्म। बस दिमाग में इतना याद रख लो कि 5000 मैंने याद रखा, उससे थोड़ा सा कम होगा ये, तो जो भी ऑप्शन मिल जाएगा जनरली अपन आराम से कर लेंगे। देश में कितना मैंग्रोव्स है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल जियोग्राफी का केवल 0.015% ही हिस्सा बना पाता है, और दुनिया के बात की जाए तो दुनिया का अपने पास पूरी दुनिया में जितना भी मैंग्रोव्स है वो 3% है। इससे ज़्यादा मैंग्रोव्स में यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला अपना टॉपिक आएगा ग्रोविंग स्टॉक का। आपके सिलेबस में भी पूछा है कि ग्रोविंग स्टॉक क्या होती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपके सब्जेक्ट में है, सिलेबस में दिया है, तो वहाँ पर भी समझेंगे, बट मैं यहाँ कुछ सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है ग्रोविंग और दूसरा टर्म है स्टॉक। आपने जैसे मुर्गी पालन है कहीं चल रहा है और आपने पूछा तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, या किसी दुकानदार के पास जाओ और उससे पूछो भाई स्टॉक में माल कितना पड़ा है, तो स्टॉक का मतलब अगर आप उससे बोल रहे हो बॉर्नविटा के पैकेट का, तो उसके पास स्टॉक में कितना है, यानी कि नंबर ऑफ काउंट टोटल कितना है, चाहे वो नंबर में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, या वेट के हिसाब से हो सकता है, तो स्टॉक का मतलब वो कितना है। ग्रोविंग का मतलब जो कि कहीं ग्रो हो रहा है, उग रहा है। अब यहाँ फॉरेस्ट्री में अपना क्या पर्पज है, मान लो अपने पास 1 किलो यानी कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का एरिया ले लेते हैं, यानी कि क्या ले लिया हमने, 1 हेक्टेयर का एरिया ले लिया। इस 1 हेक्टेयर एरिया में कितना वॉल्यूम ये जो है, जो भी पेड़ वेजिटेशन जो भी उसके ऊपर ग्रो हो रखा है, वो वॉल्यूम में टोटल कितना है, वो है अपना ग्रोविंग स्टॉक, यानी कि जो उस एरिया पर कितना स्टॉक ग्रो कर रहा है। तो इसी किस हिसाब से करेंगे, जैसे सपोज यहाँ निकल रहा है 59 मिलियन मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, जो भी डाटा हो, या 100 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, तो वॉल्यूम में निकालेंगे मीटर बाय मीटर बाय मीटर, तो कितना ग्रो हो रहा है, वो अपना है ग्रोविंग स्टॉक। यहाँ ग्रोविंग स्टॉक की डेफिनेशन का मतलब था, तो बेसिक समझ में आ गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के टाइम पे एक बार और देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ डाटा आता है अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट में कि आखिर अपने यहाँ फॉरेस्ट में कितना ग्रोविंग स्टॉक है, और TOF जो है उनका टोटल ग्रोविंग स्टॉक कितना है। तो पहला तो ग्रोविंग स्टॉक का डाटा अपना फॉरेस्ट वाला पूछा जाता है, तो उसे याद रख लो कि कुछ 4.25 मिलियन मीटर क्यूब के आसपास, अगर पूरे देश का एक साथ काउंट कर लिया जाए तो ये लगभग 4.25 मिलियन मीटर क्यूब के आसपास है, और अगर पूरे का जोड़ लिया जाए, चाहे वो फॉरेस्ट हो या TOF हो, तो अपना देश का जो है वो है 5900 मिलियन मीटर क्यूब। तो एक तो इस ग्रोविंग स्टॉक को रट्टा मार लेना है। वैसे ये जनरली एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन MPPSC ने स्पेशली आपके जो सिलेबस उसमें मेंशन कर रखा है, तो फिर आपको तो रट्टा मार नहीं मारना है। ये तो है 5900, तो है पूरा देश का कि पूरे देश में टोटल ग्रोविंग स्टॉक कितना है, लेकिन कई बार जो डाटा है वो पर हेक्टर के बेसिस पे पूछ लिया जाता है। तो मान लो सपोज अपने फॉरेस्टी के हिसाब से भी देख लिया, ग्रोविंग स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट पर हेक्टर बेसिस, सपोज अपने पास फॉरेस्ट एरिया का ग्रोविंग स्टॉक ये है, और जो भी अपने पास फॉरेस्ट एरिया है उससे अगर डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने पर एरिया का निकल आता है 59 मिलियन मीटर क्यूब, 59 मीटर क्यूब पर हेक्टर। यानी कि अगर अपन फॉरेस्ट को एक बेसिक रिस्पेक्ट में देखें, तो कहीं भी अगर ओवरऑल एवरेज देख लें, तो फॉरेस्ट के 1 हेक्टर वाले एरिया में 59 मीटर क्यूब टिम्बर खड़ा है, इतना वॉल्यूम वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ग्रोविंग स्टॉक हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने INDC जो है, INDC जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके अंदर जो हमने INDC यानी कि कमिटमेंट किया था कि हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन है उसके सिंक क्रिएट करेंगे, तो इसका पर्पज़ वहीं से है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम है वो एक टाइप से कार्बन है। तो अगर आपको ये मालूम है कि आज आपके पास इतना जो एरिया था उसका ग्रोविंग स्टॉक है 60 मीटर क्यूब,
और अगर 10 साल बाद वो हो जाता है 18 मीटर क्यूब, यानी कि आपने 10 ईयर में 20 मीटर क्यूब कार्बन को यहाँ स्टोर किया। अब आप उसमें कार्बन कैलकुलेट कर लोगे कि टोटल वॉल्यूम में 80% कार्बन है, 60% कार्बन है, तो जो भी परसेंट है तो आप उससे निकाल सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम तो बढ़ा है 20 मीटर क्यूब। अब इसमें कार्बन कितने टन निकल सकता है, 1 टन है या 2 टन है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इस एरिया में इतने कार्बन को हमने फिक्स कर लिया। तो गवर्नमेंट जो 2.5 से 3 बिलियन टन वाला टारगेट है वो ये ग्रोविंग स्टॉक को मेजर करके निकाल पाएगी, तो इसलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ स्पीसीज से रिलेटेड, कि स्पीसीज जो कि फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उनमें एक तो साल है, दूसरी टीक, अभी डिस्कस कर चुके हैं, और जो TOF है यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, अगर उसमें यही बात की जाए कि जो बाहर TOF में बाहर कौन सी ज़्यादा उगती है, तो पहली आम है मैंगीफेरा और दूसरी है नीम अजाडायटा इंडिका। ये दो स्पीसीज को हमें याद रखना होता है। ग्रोविंग स्टॉक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले साल ही आया है ICAR, ये जो GRF का पेपर होता है, इन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ग्रोविंग स्टॉक ऑफ वुड इन द कंट्री कितना है। तो अब डाटा देख लो अपना, यहाँ 59 के आसपास जो है ये 55 दे रखा है, यहाँ अपना कितना आ रहा था 42 है, ये 59 है। अब इनने जो दे रखा है उसमें 59 के आसपास यही पड़ रहा था, तो अपन इसी को फाइनल कर देंगे। ग्रोविंग स्टॉक के बाद एक और टर्म आता है कार्बन स्टॉक, क्योंकि वही 2.5 से 3 बिलियन टन वाला अपना इशू चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर अपने फॉरेस्ट कितने कार्बन को स्टोर कर रहा है। तो अब ये जब कार्बन की बात चलेगी तो फिर हम लोग ये कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि कार्बन जो है वो सरफेस पे कितना है, ज़मीन के अंदर कितना है, इस सारी चीज़ को भी देख लो। जैसे यहाँ पर ये कार्बन ले लिया, ये आपकी ज़मीन की सरफेस है। अब जैसे कोई एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी, तो वो कार्बन किसके अंदर कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर, इसे बोलते हैं सॉयल कार्बन या सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, नॉन इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हो लेकिन ये मेनली ऑर्गेनिक ही होता है, तो इसे बोलते हैं सॉयल कार्बन। दूसरा जो ऊपर है बायोमास है, इसे बोलते हैं एबव ग्राउंड बायोमास या एबव ग्राउंड कार्बन, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक तो बिलो ग्राउंड बायोमास है, एक एबव ग्राउंड बायोमास। बायोमास का मतलब है जो भी बायोम का जो मास है, ऐसे मास सिंपल वे में अपन समझ सकते हैं, मीट मतलब मास होता है, जो लोकल में बोल देते हैं कि मांस खा रहा है यानी कि मीट खा रहा है, तो मास मतलब एक फैट या कुछ भी वॉल्यूम, वो अपना मास हो गया। अब यहाँ पर बोलने का मतलब है कि वो मास जो ज़मीन के ऊपर है या वो मास जो ज़मीन के नीचे है, तो एक टाइप से कार्बन जो ज़मीन के ऊपर है और कार्बन जो ज़मीन के नीचे है। अब ऊपर वाले कार्बन को आप कैसे भी बांट सकते हो, जैसे कि कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, ग्रासेस हैं, पत्तियाँ गिरी हुई हैं, कोई सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, ये सब के सब एबव ग्राउंड बायोमास का पार्ट बना लेते हैं। नीचे वाले में क्या है कि जैसे कोई पेड़ है उसकी जड़ें थी वो नीचे चली गई, या जैसे ह्यूमस है किसी की पत्तियां हैं वो झड़ गई, पत्तियां बाद में डिकम्पोज हो गई, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिट्टी से मिल जाता है, तो ह्यूमस फॉर्मेशन वगैरह हो गया है, तो वो बिलो ग्राउंड या सॉयल बायोमास, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन में शामिल हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें कोई पर्पज़ नहीं है, अपन को दो ही चीज़ें देखनी है कि ये जो अपना कार्बन स्टॉक है इसमें कौन सा ज़्यादा है, क्वेश्चन अपने से यही आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है वो है सॉयल कार्बन या बिलो ग्राउंड बायोमास वाला कार्बन, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन या सॉयल कार्बन, ये लगभग टोटल का 56% है अपने यहाँ जो भी इंडिया में है। बस इतने से एक ही याद रखो, सॉयल कार्बन सबसे ज़्यादा है और जो एबव ग्राउंड बायोमास है वो उसके बाद आता है, बिलो ग्राउंड सबसे पहले आएगा, एबव ग्राउंड उसके बाद आएगा, फिर बका की चीज़ें जैसे हैं डेड वुड है, कहीं लीफ लिटर है, वो सब अलग अलग कैटेगरी कर रखी है। इसमें सोयल ऑर्गेनिक कार्बन फर्स्ट है, एबव ग्राउंड सेकेंड है, बस इससे अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर टिपिकल तो वो यहाँ काम हो जाएंगे। स्टेट वाइज यहाँ पर वैसे टोटल का डाटा दिया है कि टोटल कितना है, 7.1 बिलियन टन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आज तक आए नहीं हैं, फिर भी एक बार अगर रट्टा मारना हो तो कर सकते हो। स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल में है, इस बात को याद रखो, अरुणाचल में होने के पीछे कुछ रीज़न है, यहाँ पर क्या है बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। अब इन पहाड़ियों के साथ क्या होता है, एक पहाड़ी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई,
इनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है साल भर वो डिकम्पोज होते हैं, ये वैली रीजन में डिपोजिट होता रहता है, होता रहता है। अब इनमें है कि आप फॉरेस्ट वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, ये पूरा का पूरा उसी एरिया में, कुछ ही रिवर स्ट्रीम है जो बाहर निकल पाती हैं, अदरवाइज वो सब की सब उसी में भरी रह जाती हैं। तो यहाँ धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनिक ये जो सॉयल है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, स्पेशली जो कार्बन है वो काफ़ी अच्छा खासा है वहाँ पर। तो स्टेट का मुद्दा है तो आप उसमें अरुणाचल याद रखो, अरुणाचल से अपना काम हो जाता है। और रिमेनिंग ये डाटा याद रख सको तो रख लो, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है अपना, बस केवल इतना याद रखो कि सॉयल में सबसे ज़्यादा है अबव ग्राउंड बायोमास थोड़ा कम होता है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द एस्टिमेटेड कार्बन स्टॉक ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट इज, कि जो अपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार अपना जो इंडिया है इंडियन फॉरेस्ट में टोटल जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7.1 बिलियन टन, तो अब वो बिलियन में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, वो सीधा डाटा दे दिया उसे, तो ये अपना क्या है 7.1 वाला, तो अपना आंसर आ गया डी। वापस अपने टेबल पे चलते हैं, अभी तक हम लोग मैंग्रोव्स कवर, ग्रोविंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब चंगू मंगू से तीन चीज़ें बची हैं, इनमें एक है अपना फॉरेस्ट टाइप। फॉरेस्ट टाइप को वैसे तो सिल्वीकल्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग पहले शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में देख चुके थे कि चैम्पियन और सिथ ये दो लोग थे, मैंने उस टाइम पर बोला होगा कि ये दो लंगोटिया यार थे, तो इन लोगों ने 68 में एक टाइप से कम्बाइंडली मिल के एक बुक लिखी या रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, और इसमें उन्होंने इंडियन के जो फॉरेस्ट थे, अपने देश के जो वन थे, जंगल थे, उनको एक टाइप से जो कैटेगराइजेशन किया उसे समझते हैं। इन्होंने क्या किया, टोकरी के हिसाब से समझें तो ऐसे समझ लो कि देश के जो छोटे छोटे एरिया थे, इन्होंने पहले तो 5 बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 उन्होंने बड़े बड़े टाइप के फॉरेस्ट बनाए, जैसे कि पहला आ गया ट्रॉपिकल, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, तीसरा है टेम्परेट, ये है सब एल्पाइन और ये है एल्पाइन। तो ऐसे तो 5 टोकरियां कर दी। अब इस टोकरी में रख दिए 7 फल, इसी में 6, 3, 1, 2, ठीक है, 6 × 2 = 7, 2 × 14 = 15, 16, 17, 18, 19 होगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, यहाँ डाटा का मतलब वो नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे इन सबको, यहाँ पर एक बेसिक समझ लो। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की 7 सब कैटेगरी बनाई, कुछ सब ट्रॉपिकल की बना दी, कुछ टेम्परेट की बनाई, सब एल्पाइन के अंदर 1 है और जो एल्पाइन है उसके अंदर 2 है, तो ऐसी कुछ कैटेगरी रखी। तो इस टाइप से इन्होंने 5 मेजर ग्रुप और 16 ग्रुप बोल लो, ग्रुप या टाइप में फॉरेस्ट को डिवाइड किया। फिर जो 16 है उनके भी कुछ सब टाइप हैं, जैसे इसमें जो पहला है ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल लो उसे, तो उसके अंदर भी दो सब कैटेगरी हैं, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और साउदर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो ऐसे इन्होंने ये 16 की सब कैटेगराइज किया और ये टोटल बनती हैं 221, जैसे किसी को दान दे रहे हों 221 रुपये, तो वैसे यहाँ 221 उसकी सब कैटेगरीज हैं। अब अपना क्या पर्पज़ है, केवल इतने से याद रखो कि चैम्पियन एंड सेथ थे, इन्होंने 68 में फॉरेस्ट टाइप्स दिए, इनमें 5 मेजर ग्रुप हैं, 16 टाइप या ग्रुप है और 221 जो है वो सब टाइप है, इतने से अपना काम हो जाता है, आपकी क्वेश्चन की इससे ज़्यादा की औकात है नहीं। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का क्या मतलब है अपने लिए, ये तो अलग से पढ़ेंगे फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में एक डाटा पब्लिश होता है, उसमें ये जो अपने 16 टाइप के फॉरेस्ट थे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 17वां नहीं ये अलग है, ये 16 टाइप के जो फॉरेस्ट थे उन सभी का डाटा दिया जाता है कि कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में कितने परसेंटेज में है। तो
इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, ध्यान रखो ड्राई डेसिडुअस है, जैसे अपने एमपी में देख लो तो ज़्यादातर डेसिडुअस का मतलब पतझड़ वाले पेड़, यानी कि ऐसे जंगल जो गर्मियों में साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल पेड़ खड़े रह जाते हैं। ड्राई का मतलब सूखा, तो ऑब्वियसली गर्मी पड़ेगी तो सूख ही जाएंगे, तो यहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। दूसरा है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, बकाए की भी चीज़ें हैं उन्हें अभी देखने का पर्पज़ नहीं है। यहाँ देखना ये है कि जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो पूरे फॉरेस्ट का लगभग 40% बनाते हैं, और सेकंड नंबर आता है मॉइस्ट डेसिडुअस का, बस ये दो चीज़ें याद रखो। और अगर दोनों ही को देख लो तो ये भी डेसिडुअस है, ये भी डेसिडुअस है, दोनों को मिला दो 40, 10, 50, 57, ये होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर और मिल जाएंगे, तो लगभग ये लगभग 55 से 60 के आसपास, 55 से 60% के आसपास ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ड्राई डेसिडुअस की एक पिक्चर और देख लेते हैं, जैसे कि अपने ये एमपी की या राजस्थान के देख लो। अब इससे क्वेश्चन निकालते हैं अपने, पहला तो क्वेश्चन ये निकल सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, तो ऑप्शन में देखो कि कहीं ड्राई डेसिडुअस है क्या, अगर है मिल गया तो लगा दो, या फिर ये देखो कि अगर ड्राई डेसिडुअस नहीं है तो फिर मॉइस्ट डेसिडुअस है क्या, अगर वो भी नहीं है तो फिर देखेंगे कि डेसिडुअस है क्या, तो वो लगा देंगे। दूसरा, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा व्यू मैं बता देता हूँ। जो इन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे उनमें पहले ग्रुप के अंदर 7 टाइप के फॉरेस्ट को रखा, ट्रॉपिकल वालों के अंदर। सब ट्रॉपिकल के अंदर ये 3 फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट वालों के अंदर ये 3 हैं, 3, 3, इसके अंदर 7 हैं, इसमें सब एल्पाइन में 1 है, और ये जो एल्पाइन है उसमें ये 2 हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, ये 7 के, वैसे आपको नाम सभी का रट्टा मारने हैं, लेकिन कम से कम ये जो 7 फॉरेस्ट है, 7 जो है ट्रॉपिकल वाले, इनको तो आपको याद करना ही करना है, रट्टा ही मारना है ना, सभी के नाम पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का कौन सा आता है। इनके नंबर है जैसे ग्रुप 1 है, 1 में ये ट्रॉपिकल बेटावर ग्रीन फॉरेस्ट आता है, 4 नंबर में जो अपना लिटोरल एंड स्वैम्प जिसमें मैंग्रोव अपने आएंगे ये 4th में आएंगे, 9th नंबर में पाइन फॉरेस्ट आएगा, 9 पाइन 9 पाइन, तो पाइन है वो 9 नंबर के ग्रुप में आएगा, थॉर्न फॉरेस्ट है वो 6 नंबर के में आता है। वैसे आगे जाके हम ले फिर से रट्टा मारेंगे, बस यहाँ एक रिव्यू था उससे काम हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे चैंपियन एंड सेठ हैव क्लासीफाइड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इंटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप, तो इन्होंने कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड किया, इन्होंने 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था इंडियन फॉरेस्ट को। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेठ, अब यहाँ पर देखो इन्होंने 64 दे दिया, मैंने आपको पहले शायद वीडियो में बताया था कि ये 64 देते हैं, 65 देते हैं, 68 देते हैं, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न यही है कि इन लोगों ने, दोनों ही लोग पहले अलग अलग काम कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले 64 के आसपास पेपर पब्लिश किया था, उसमें भी ये फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया थे। बाद में जो पेपर पब्लिश किया गया उसको फिर बाद में और इम्प्रूव किया, और रिसर्च की, उसकी कमियाँ दूर की, और 68 में इन्होंने फाइनल वर्जन फिर से पब्लिश कर दिया। तो मेजोरिटी बुक्स में 68 कंसिडर करते हैं, कुछ जगह 64 भी कंसिडर करके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू चैम्पियन एंड सेठ इंडियन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू फॉरेस्ट टाइप, चैम्पियन एंड सेठ के अनुसार भारतीय वनों को कितने टाइप या प्रकार में बांटा जाता है, तो वो है अपने 16, इन्होंने 16 प्रकार के वनों के बारे में बताया है, और अगर मेजर ग्रुप की बात की जाए तो वो अपने 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उन्हें कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो ट्रॉपिकल यानी कि जो अपना पहला ग्रुप था वो 7 में बांटा गया है, फिर बकाए के 3 3 है, फिर 1 और फिर 2। एक बार अपने टेबल देख लेते हैं, टेबल वाला आपको पता ही है, आप जैसे टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए। एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया कम्स अंडर, कि देश में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो किस जंगल के अंडर आता है। मैंने सीधा बोला, आप सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है क्या, यहाँ पर सीधा अपन को छक्कास मिल गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस लगा दो इसे, ये अपना वैसे भी आपको पता है, यहाँ पर दे दिया गया है, अपना आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज में कौन सा फॉरेस्ट है,
तो अब यहाँ पर देखेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस कहीं मिल रहा है, नहीं। अब यहाँ एक तो मोइस्ट डेसिडुअस लिखा है, वेट एवरग्रीन थॉर्न एल्पाइन, तो जब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर हम लोग यहाँ मोइस्ट डेसिडुअस लगाएंगे, क्योंकि मोइस्ट डेसिडुअस सेकंड नंबर वाला है। तो अपना यहाँ पर काम हो गया, यहाँ ये एरिया में है, यहाँ परसेंटेज में। अब पूरे देश का है तो ऑब्वियसली जो परसेंटेज में ज़्यादा है वो मतलब एरिया में भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई बात होती नहीं अपने लिए। नेक्स्ट अपना आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है, फायर मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, इसे बाद में अपन अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अपने लिए मतलब क्या है इसका कि ये जो फायर सिस्टम है ये एमपी के ही कुछ लोगों ने बनाया था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हीं ने इसे डेवलप किया। बाद में ये पूरे नेशनल लेवल पे आजकल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वही यूज करता है और वही एक इसका डाटा बनाता है। तो थोड़ा समझ ही लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। उस टाइम पे जो लोग थे एक टाइप से ये बोल सकते हैं कि ये काम चलाओ जुगाड़ वाला काम किया उन्होंने। नासा की एक सैटेलाइट थी, यहाँ पर ले लेता हूँ नासा, नासा की एक सैटेलाइट थी। ये सैटेलाइट हर 6 घंटे में पूरी दुनिया के चारों तरफ घूम के कोई आपका एरिया है, जैसे ये एरिया है उससे हर 6 घंटे में निकलती थी, यानी कि ये निकलती तो लगभग हर आधा घंटे या 1 घंटे में है, लेकिन उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर 6 घंटे बाद पहुंच जाती है। ये जैसे अपनी ज़मीन है, अर्थ है, तो उसका तेज़ी से राउंड लगाती है अलग अलग एंगल से, वो थोड़ी इस टाइप से घूम रही, ऐसे 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 घूमती चलती है वो। तो ये जो मूवमेंट है वो उसका फास्ट होता है, कुछ 40 मिनट या 30 मिनट में ऐसा कुछ निकलती है, लेकिन सिंगल पॉइंट से हर 6 घंटे बाद वो निकलती है। अब ये वेबसाइट क्या कर, ये सैटेलाइट क्या करती है, नासा की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर ये पूरा जो डाटा है, जो इमेजरी बोलते हैं, जो पिक्चर है इसे इमेजरी बोल दो आप, सिंपल वे में समझ सकते हैं, वो इमेजरी को यहाँ अपलोड कर देता था। अब अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ इंजीनियर गए, इन्होंने कबाड़ में से कुछ पुराने डेस्कटॉप निकाले और इन्होंने क्या किया कि अच्छा ये जो इमेजरी है मुफ्त में मिल रही, हर 6 आवर बाद ये डाटा मिल रहा है आपको, तो इन्होंने यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो क्या करता था कि आपकी अभी की पिक्चर ली और अगले 6 घंटे बाद की पिक्चर ली, इन दोनों को कंपेयर कर देगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ने क्या किया, देखो पहले तो ये तो इमेजरी जैसे अपने पूरे एमपी की दे दी उसने, ये सॉफ्टवेयर पूरे एमपी को नहीं पकड़ेगा, ये उस पिक्चर में ये देखेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले हिसाब से सॉफ्टवेयर वो एरिया जो फॉरेस्ट का है केवल वही डाटा इस इमेजरी में से उठाएगा, बका के वो छोड़ देगा, यानी कि केवल उसने फॉरेस्ट वाले एरिया की पिक्चरों को ही लिया और उन पिक्चर्स में ये देखेगा कि क्या 6 आवर वाली पहली पिक्चर और आज की पिक्चर में कोई बदलाव है, अगर कोई चेंज हुआ है तो वो उस पिक्चर को जो पिक्सल है उसे डिटेक्ट कर लेता है। ये सब बात समझ में आ गई, इतने सिंपल वे में यही बताई जा सकती है। अब जैसे ही पिक्सल में मेजर चेंज इसने डिटेक्ट की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है कि आखिरी जैसे फॉरेस्ट का ये पूरा एरिया है, एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ये छोटा कोई रेंज है उसका एक पॉइंट, ये किसी की बीट है, फॉरेस्ट गार्ड होगा। तो इस सिस्टम में ने क्या किया कि अगर फॉरेस्ट फायर यहाँ लगी है तो जो जिसकी बीट में लगी है उसका नंबर, उसके ऊपर जो डेप्यूटी रेंजर है, ACF है, DFO है, CF है, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के मोबाइल नंबर यहाँ पर है। तो जैसे ही इसने फायर डिटेक्ट की ऊपर से लेकर नीचे तक धड़ाम 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 सबको मैसेज भेज दिया, जिससे सारे जहां को पता पड़ गया कि जंगल के उस रीजन में फायर लगी है। इससे क्या है, फायर डिटेक्शन बहुत आसान हो गया, मोस्ट का जुगाड़ वाला काम। अब ये सिस्टम इतना अच्छा लगा कि बाद में इसे इम्प्रूव करके बोला कि एक जुगाड़ वाला काम ठीक है लेकिन अब उसे बड़े लेवल पर सही तरीके से किया जाए, तो उसे अपने ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया और अब ये पूरे नेशनल पूरे देश पे ही लगता है। इसमें भी वही बताया गया है कि यहाँ जैसे सैटेलाइट है एक, वो डाटा कलेक्ट, सैटेलाइट जो डाटा है वो नासा वाली ही है, वो डाटा देगी यहाँ पर, डाटा को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगी, वहाँ वो प्रोसेस करेगी और प्रोसेस के हिसाब से वो सीधा सबको मैसेज भेज देगी। और एक बार सब सारी दुनिया को पता पड़ गया कि कहाँ आग लगी है तो फिर बुझाने पहुँचना ही होता है। अब अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है,
पहला मुद्दा है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर ये कब लॉन्च हुआ? तो गवर्नमेंट ने 2018 में ये लॉन्च किया था। और इससे भी इम्पोर्टेंट मुद्दा कि फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के लिए जो अपनी FSI है, फॉरेस्ट सर्वे है, ये टाइम टाइम पे कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करती है। तो वो एप्लीकेशन का नाम है फास्ट, FAST। उसका पिछले साल 2019 में थर्ड वर्जन लॉन्च किया। ध्यान रखें, 9 का 1 3 कर दोगे 3 आएगा। तो इसका थर्ड वर्जन 2019 में लॉन्च किया गया, ये अपने लिए ज़रूरी है। ये पूछा गया है कि फास्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज़्यादा अपन आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे जैसी अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसी टाइप की रिपोर्ट निकालता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम इटली में है। ये पब्लिश करता है, ये लगभग अपनी रिपोर्ट के 1 साल बाद करता है। जब अपन 19 में करते हैं तो ये 20 में करता है। जब अपन डाटा 21 में करेंगे तो इसकी नेक्स्ट रिपोर्ट 22 में आएगी। ये भी 2 साल के इंटरवल से ही करता है। इनका कोऑर्डिनेशन उसी हिसाब से बना हुआ पूरी दुनिया का, कि स्टेट जो है वो 1 साल पहले करते हैं और जो ग्लोबल जो एजेंसीज हैं वो उसके 1 साल बाद करती हैं। अब FAO है तो ये पूरे ग्लोबल सिनेरियो का डाटा देगा। तो इसकी जैसे फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है वो अपने लिए कोई मतलब की है नहीं, लेकिन इनने जो डाटा दिया वो देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन अपने मतलब के हैं। जैसे इन्होंने ये बोला कि पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है उस पर फॉरेस्ट कवर जो है वो लगभग 30% एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। पूरी दुनिया का जो एवरेज है फॉरेस्ट कवर का, फॉरेस्ट एरिया का नहीं, फॉरेस्ट कवर का, फॉरेस्ट करंटली कवर 30.8% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। एक तो ये डाटा मतलब का है। दूसरा ये बताते हैं कि पर कैपिटा हर एक इंसान के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना पड़ता है, पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया। तो ग्लोबल लेवल पे जो है वो है 0.5 हेक्टेयर पर पर्सन, इसे याद रखना है। ग्लोबल पे है 0.5 और फॉरेस्ट कवर है वो 30.8% है। दूसरा ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक सा नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, कुछ में भूखे नंगे वाली कंडीशन है। जैसे कि रसिया है, पूरी दुनिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग, या फॉरेस्ट एरिया की बात कर लो तो 20% एरिया तो अकेले रसिया के पास है। सेकंड नंबर ब्राज़ील का आ जाता है, इनके पास 12% है। यही वजह है कि ब्राज़ील अक्सर जो वेस्टर्न कंट्रीज है या वेस्टर्न जो दुनिया है, पश्चिमी दुनिया है, उनके टारगेट में रहता है। जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, US, कनाडा, मैक्सिको, ये सभी ब्राज़ील को टारगेट करते रहते हैं कि तुम अपने फॉरेस्ट को बचाओ, जबकि अपने आप खुद नहीं लगाएंगे। तो ब्राज़ील सेकेंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है कनाडा। ये कनाडा अपने फॉरेस्ट को खुद काटता है, कोई दुनिया में कोई इससे कुछ बोलता नहीं है, दूसरे पे बोलेंगे इस पे कोई उंगली नहीं करेगा। यही वजह थी कि ये पेरिस अग्रीमेंट में पीछे भाग गया था कनाडा वगैरह था। तो पहले में सबसे ऊपर है रसिया, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा। आपको यहाँ पर रसिया याद रख लेना है, बाकी की चीज़ों की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। एवरेज देखते चलो, फिर US है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है। मेन मुद्दा है अपना इंडिया है, वो है 9th पोजीशन पे, 9th 10th पे। पेरू और इंडिया दोनों एक साथ रखे गए हैं, जो पूरी दुनिया का केवल 1.8% फॉरेस्ट बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अपन अंडर 10 में तो हैं, अपन 9th 10th कोई भी पोजीशन हो सकती है वहाँ पर हैं। 1.8% रिसोर्सेस हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं दुनिया के अपने पास, और टॉप पे कौन है, रसिया। पर कैपिटा वर्ल्ड लेवल पे है 0.5, ये करंट में है। पुराने में, पुराने जो रिपोर्ट थी उसमें 0.6 का डाटा था, अब 0.5 हो गया है। और टोटल का 30% जो है, 30.8% है दुनिया का कवर। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कंट्री विच मैक्सिमम या हायर फॉरेस्ट कवर, मतलब वो देश जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है या जिसके पास सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, तो वो कौन सा आएगा? अपना आंखें बंद करो और रसिया लगा दो, दिमाग का दही नहीं। दूसरा, हैज मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे बड़ा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है? देखो यहाँ मैक्सिमम हाईएस्ट
हाईएस्ट एरिया पूछी गई थी, मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा एरिया है वो तो रसिया के पास है, लेकिन अगर आप कवर की बात की जाएगी, परसेंटेज की बात की जाएगी, यहाँ पर डाटा देखिए आप, यहाँ पर जो एरिया है ये एरिया बताई गई कि रसिया के पास कितना एरिया है और वो दुनिया का 20% है, लेकिन यहाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि रसिया की टोटल ज़मीन पे कितना परसेंट एरिया है जो फॉरेस्ट के अंदर है, यानी कि फॉरेस्ट कवर के अंदर है, परसेंटेज की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो पूछता है कवर का हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो अब इसमें क्या लगाओगे, मैक्सिमम एरिया अंडर कवर, एक कंट्री जिसका मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है, तो उसमें आंसर अपना आ जाता है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील का बहुत बड़ा एरिया है जो फॉरेस्ट के अंडर है। अगर आप गूगल मैप वगैरह पे देखोगे तो मेजोरिटी जो है वो पूरा हरा दिख जाता है, जबकि रसिया के में क्या है कि बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है जो स्टेपी में आ जाता है, जो अपनी ग्रास लैंड है, और उसके जो पोलर तरफ का रीजन है वो बर्फबारी में दब जाता है, तो केवल बोरियल फॉरेस्ट ही मेजोरिटी में जो काफ़ी लंबे एरिया में फैले हैं, लेकिन वो वैसे मैक्सिमम के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आ जाओगे तो नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ कंट्री विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज यहाँ पूछ लिया है इन्होंने। अब इसमें देखो तो परसेंटेज के में तो भाई इतने सारा डाटा है, हम किस किस का याद रखेंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अपन ऐसे कंट्री को देखेंगे जो या तो माउंटेन रेंज में हो या जिसमें पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों। यूएसए दुनिया में ऐसा है, पूरी दुनिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, 30.8% है, पूरी दुनिया का जो ज़मीन है जियोग्राफिकल एरिया उसका 30.8% है, और यूएसए जो है उसका भी लगभग ऐसी 30-31 के आसपास है, कुछ 30-31 के आसपास, यानी कि जो दुनिया का एवरेज है वही यूएसए का एवरेज है फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। इंडोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड हैं, लेकिन इनमें भाई सीधी सी है आइसलैंड, आइलैंड कंट्री है तो होना चाहिए, तो इसका अच्छा आंसर एक आइलैंड हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, इंडिया तो पता है नहीं होगा, अपने यहाँ से तो इंडोनेशिया के पास ज़्यादा है। दूसरा कंट्री है जापान, इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा जापान पॉपुलेशन कम है, मेंटेन कम है, तो ये एक टाइप से समझ सकते हो कि छोटा सा आइलैंड है, पॉपुलेशन कम है, और ये ग्रीनरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो यहाँ जापान जीतेगा, और यही रियल डाटा है कि जापान में इन कंट्री के हिसाब से परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। यहाँ भूटान में ऑप्शन नहीं है, अगर भूटान होता तो कन्फ्यूजन में हो जाते, भूटान शायद उससे ज़्यादा है, जापान से भी भूटान में ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू FAO, इनकी कोई 2015 की रिपोर्ट ले ली है, उस टाइम के हिसाब से पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर ऑफ वर्ल्ड कितना है, पर कैपिटा के हिसाब से वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर कितना है, ये FAO की 2015 पूछी, आज के हिसाब से कितना है, आज है 0.5 हेक्टर, उस टाइम पे हुआ करता था ये 0.6 वाला। अब ये तो है वर्ल्ड का, अगर आपसे इंडिया का बात की जाए तब वो कितना है, पहले क्या है थोड़ा आसान था, वर्ल्ड का हुआ था करता था 0.6 हेक्टेयर पर पर्सन, 0.6 हेक्टर पर पर्सन, ये तो हुआ करता था वर्ल्ड का, और इंडिया का 0.06 हेक्टेयर पर पर्सन, अपनी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ये होगा करता था इंडिया का, तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई हैं, इंडिया का 0.06 लगा देना है, वर्ल्ड का 0.6 लगा देना है। अब अपडेटेड है वर्ल्ड का 0.5, तो आप इसे भी याद रखेंगे, और अगर ये आ गया तो यही आएगा, क्योंकि जैसे इसी साल का क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने पुराना पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये अपना रिपोर्ट वाला काम बखती जो भी थी ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है कि कुछ इस रिपोर्ट में टर्म यूज किए जाते हैं, उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है ग्रीन वास एरिया, कई बार न्यूज़पेपरों में भी यूज होता है ग्रीन वास एरिया, तो जैसे अपन MP की पिक्चर देख लेते हैं, इस पिक्चर में क्या होगा, अभी ये तो थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही यूज़ करता है, तो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को अलग 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 कलर से शो किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल पिक्चर होती हैं, जो सैटेलाइट वाली पिक्चर होती हैं, उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया है वो तो ग्रीन दिख रहा होगा, और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो साफ होगा, तो ग्रीन वास एरिया मतलब वो एरिया जो कि ग्रीन कलर से धुला हुआ है, ग्रीन कलर से पुता हुआ है, वो एरिया है ग्रीन वास एरिया। दूसरा है वाइट वास एरिया, दूसरा टर्म, मतलब जो ग्रीन कलर से नहीं पुता, जो मतलब नॉर्मल है, एरेबल लैंड है, खेती वाली वाली एरिया है, वो नॉन ग्रीन वास एरिया है।
एक और टर्म यूज होता है अक्सर आजकल, ई ग्रीन वॉच। ये ई ग्रीन वॉच क्या है? आप लोगों ने अगर सुना हो तो मैं बता दूं, ये कंपा प्लांटेशन चलती है, जैसे कि सिंपल वे में ये गवर्नमेंट के पास एक फॉरेस्ट एरिया था, इस एरिया में कोल माइन मिल गई। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ से कोयले को निकाला जाए, लेकिन कोयला निकलेगा तो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे कि इस एरिया को खरीद लेंगे, इसके बराबर या उससे डबल जो भी कंडीशन हो लोकल के हिसाब से, जो हर स्टेट के अपने अपने हो सकते हैं। तो सपोज ने इक्वल एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, तो जितना एरिया ये था उतना एरिया यहाँ ले ली। यहाँ पर एक कंपनी है सपोज ए, तो ये कंपनी क्या करेगी, इस एरिया को खरीदेगी और इसमें प्लांटेशन करवाएगी, यानी कि इस एरिया को फॉरेस्ट के अंडर कन्वर्ट कर देगी। जब वो उधर उधर काम चल रहा होगा, ये इधर भी डेवलप कर रही होगी और यहाँ के एरिया को साफ करके यहाँ से माइनिंग कोल जो निकाल रहे थे वो निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो एक टाइप से इस एरिया को कंपनसेट किया है दूसरे एरिया से, इस एरिया से। तो ये जो कंपनसेटरी प्लांटेशन होती है इसको बोलते हैं कंपा प्लांटेशन। तो ये कहाँ पर कितनी कंपनसेटरी प्लांटेशन हो रही है, इसका पहले कोई प्रॉपर डाटा नहीं हुआ करता था, तो आजकल एक वेब पोर्टल के थ्रू इसे शो किया जाता है, जिससे सिस्टम में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए। यहाँ पर अपनी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है और उसकी रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं इसमें दिक्कत है, लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो उन्हें आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, ये दोनों वीडियो जो हैं दो पार्ट में जो किया गया है, इसे सही तरीके से वाच करा, इससे आप एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म समझिए आना ही आना है।